बी पार्ट फर्स्ट के गृह विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। और आज के मेरे इस YouTube वीडियो क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। अभी तक बच्चों आपने स्कूल लेवल पे होम साइंस कुछ बच्चों ने पढ़ा है और कुछ बच्चों ने फर्स्ट टाइम कॉलेज में होम साइंस लिया है। होम साइंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है पूरे हमारे सोशल साइंसेस में, और ये पूरा आपका लाइफ स्पान को, इसके जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं वो पूरा डिटेल में आपको एक इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है होम साइंस। हम सिर्फ इसमें कैरियर या स्किल या जॉब ही नहीं प्राप्त करते, बल्कि एक ह्यूमन बीइंग की, एक फीमेल की, जो एक गर्ल है, उसकी इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी या उसके अंदर जो भी स्किल है, जो भी टैलेंट है, जो नॉलेज है, उसको एनहांसमेंट करने का एक जो सब्जेक्ट है वो होम साइंस है। होम साइंस दो शब्दों से मिला है, होम और साइंस, यानी घर का, यानी साइंटिफिक मैनर में स्टडी करना ही क्या है, होम साइंस है। यानी किसी विषय को वैज्ञानिक तरीके से जब हम अध्ययन करते हैं तो वो होम साइंस है। और आपने, आपके लिए आपको बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी, आपने फर्स्ट टाइम यदि होम साइंस लिया है तो आपको लग रहा होगा कि कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान विषय को कैसे पढ़ना है, इसमें कौन कौन से पेपर होंगे, कितने प्रैक्टिकल्स होंगे, कितनी थ्योरी क्लासेस होंगी, प्रैक्टिकल का और थ्योरी का कोर्स कंटेंट क्या होगा, और जब मैं ग्रेजुएशन होम साइंस में कर लूँगी तो उसके बाद में मुझे पीजी के लिए क्या, मेरे लिए यदि मेरा इंटरेस्ट रहेगा तो मैं पीजी किस विषय में कर सकती हूँ, मेरे करियर की संभावनाएं क्या हैं, किस तरह का मुझे जॉब मिल सकता है। तो आज हम सब इन्हीं और बातों को डिस्कस करेंगे आज की मेरी इस क्लास में। फर्स्ट, जब हम, मैंने बताया एक वैज्ञानिक अध्ययन, गृह विज्ञान क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है। जो भी हम हाउस होल्ड या जो हमारे पारिवारिक संसाधन हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनका बेस्ट और साइंटिफिक मैनर में जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या है, होम साइंस कहलाता है। और जब हम बीए स्तर पर होम साइंस लेते हैं तो बीए स्तर पर हमारे टोटल 6 पेपर जो होते हैं वो थ्योरी के होते हैं। टोटल आपका जो कोर्स जो होता है उसमें 6 पेपर होते हैं। फर्स्ट ईयर में जो होता है 2 थ्योरी होती हैं, 2 प्रैक्टिकल्स होते हैं। सेकंड ईयर में 2 थ्योरी एंड 2 प्रैक्टिकल, एंड थर्ड ईयर में भी 2 थ्योरी और 2 प्रैक्टिकल होते हैं। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर आपका फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस का है। सेकंड जो पेपर होता है एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन का है। रिस्पेक्टिवली 2 ही आपके प्रैक्टिकल्स हैं। फर्स्ट जो प्रैक्टिकल है वो आपका पूरा का पूरा बेसिक फूड प्रिपरेशन से रिलेटेड है, यानी पूरा आप उसमें बेसिक जो न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिएंट रिच डिशेस हैं उनके बारे में आप स्टडी करते हैं, कुकिंग मेथड्स के बारे में स्टडी करते हैं। सेकंड पेपर जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन कम्युनिकेशन है, उसमें एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड ही आपका प्रैक्टिकल है। उसमें डिफरेंट टीचिंग एड्स क्या बनेंगे, कम्युनिटीज उस पर इंडिविजुअल कम्युनिकेशन के लिए कौन सी टेक्निक है, कौन से मेथड्स हैं, ये सारा का सारा हम इसके अंदर पढ़ते हैं। और पूरा हमारा कम्युनिकेशन के मेथड्स क्या हैं, ये सारा हम डिटेल में इसको आप पढ़ेंगे। सेकंड ईयर में फिर हमारे 2 थ्योरी पेपर आते हैं। एक आता है फूड एंड न्यूट्रिशन, और सेकंड है टेक्सटाइल एंड, सेकंड जो आपका पेपर होता है, यानी फर्स्ट आपका फूड एंड न्यूट्रिशन का है और रिस्पेक्टिवली जो है सेम ही आपका थ्योरी होता है और सेकंड प्रैक्टिकल होता है। और सेकंड पेपर आपका होता है टेक्सटाइल एंड लॉन्ड्री का, जिसमें आप पूरा फाइबर से, टेक्सटाइल फाइबर से लेके फिनिशिंग और डाइंग मेथड, सेलेक्शन ऑफ फैब्रिक फिनिशेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ यार्न और फैब्रिक, ये पूरा का पूरा आप इसमें डिटेल में पढ़ते हैं।
और सेम इसका टेक्सटाइल एंड लॉन्ड्री का आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपको डिफरेंट जो है बेसिक सीम स्टिचेस फिनिशिंग ये सब आपको तैयार करनी होती है। और उसके अलावा आपका एक जो प्रैक्टिकल होता है इसी में स्टिचिंग का होता है पूरा, और इसको टेक्सटाइल एंड क्लोदिंग के नाम से होता है। इसमें कोई जैसे डिफरेंट आर्टिकल्स या गारमेंट आपको स्टिच करने होते हैं, टाई एंड डाई स्किल डेवलपमेंट पे भी हमारा काफ़ी फोकस रहता है, टाई एंड डाई प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, स्टेंसिल प्रिंटिंग, यानी इस तरह से हमारे कोर्स को जो है तैयार किया गया है, प्रिपेयर किया गया है कि यदि बच्चा बीए के बाद में अपना कोई भी जो है स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है तो वो आराम से इन चीज़ों को करके, जैसे हम बेसिक फिनिशेस के बारे में बताते हैं, एम्ब्रॉयडरीज के बारे में बताते हैं, तो वो अपना कोई भी एक छोटा स्टार्टअप खोल सकता है। इसी तरह से हम मील मैनेजमेंट जो है, जैसे आज के समय में डाइटिशियंस के बड़े जॉब हैं, स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, इसके अलावा हॉस्पिटल्स में हैं, नर्सिंग होम्स में हैं, फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर्स में हैं, तो उसमें हम सारा का सारा किस तरह से एक कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, न्यूट्रिटिव वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है, और अलग अलग स्टेजेस में किस तरह की न्यूट्रिशनल नीड और डिमांड होती है, उस पर हमारा सारा का सारा फोकस रहता है। थर्ड ईयर जो होता है वो फिर हमारे थर्ड ईयर में भी दो पेपर थ्योरी के होते हैं, दो पेपर प्रैक्टिकल के होते हैं। जो फर्स्ट पेपर थ्योरी होता है वो ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली रिलेशन है, उसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट में कंसेप्शन से लेकर टिल जो है ओल्ड एज तक का पूरे डेवलपमेंट जो चेंजेस हैं और उन डेवलपमेंट को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उसको पूरा का पूरा हम डिटेल में स्टडी करते हैं। और रिस्पेक्टिवली इसी का प्रैक्टिकल पेपर होता है वो भी ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी स्टिमुलेटिंग टॉय बनाना, प्री स्कूल के लिए टीचिंग बनाना, स्कूल गोइंग के लिए टीचिंग एड बनाना, डिफरेंट जो डेवलपमेंट है उनको उन डेवलपमेंट्स के लिए उनको इन्हांस करने के लिए या उनकी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए, उनके डेवलपमेंट को एक डायरेक्शन देने के लिए हमें कौन से जो है मेथड्स को यूज़ करना है। प्ले ग्रुप में जो है वो अलग अलग टीचिंग मेथड्स मोटर डेवलपमेंट के लिए, लैंग्वेज के लिए, स्किल के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए, तो इनके लिए जो भी हमें टीचिंग एड्स बनाने वो प्रिपेयर कराए जाते हैं। और उसके अलावा उनको बच्चों को डेमो, जैसे प्ले ग्रुप के बच्चों को या स्कूल गोइंग बच्चों को डेमो देकर उनके साथ में एक इंटरेक्टिव क्लासेस का भी प्रोविज़न हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इसमें पूरा होम मैनेजमेंट के कंसेप्ट से लेके पूरा रिसोर्सेज मैनेजमेंट, हाउस होल्ड टाइम एनर्जी मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, इक्विपमेंट्स का मैनेजमेंट, हाउस डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, इस पर सारा फोकस किया जाता है। और इसके साथ में ही जो प्रैक्टिकल है वो इंटीरियर डेकोरेशन का पूरा आपका प्रैक्टिकल होता है, और उसमें पूरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग और इस पर फोकस किया जाता है। जो आपका थ्योरी पेपर तीनों साल में होता है वो एक पेपर 75 मार्क्स का, यानी फर्स्ट पेपर 75 का, सेकंड भी 75 का, एंड 25 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा आपका सिलेबस इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो होम साइंस की जो 5 फील्ड्स हैं, 5 फील्ड्स में कौन कौन से फील्ड्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशन, टेक्सटाइल लॉन्ड्री, फूड एंड न्यूट्रिशन, होम मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, ये 5 फील्ड्स पूरे के पूरे इंटीग्रेटेड रूप से कवर होते हुए आपका पूरा सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। यानी कोई भी आपका जो हमारे होम साइंस की जो बेसिक है, फंडामेंटल है, वो कहीं भी छूट नहीं जाए, इस बात को फोकस करते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स हम अभी थोड़ा सा ये बात करते हैं कि आपके कोर्स में क्या क्या है। फर्स्ट हमारा जो है, दो पेपर मैंने अभी आपको बताए, फर्स्ट ईयर में भी दो पेपर हैं। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर जो है आपका फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस का है, फैमिली एंड कम्युनिटी यानी परिवार एवं सामुदायिक विज्ञान। इसमें फर्स्ट हम पूरा हेल्थ पे फोकस करते हैं, पॉजिटिव हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ, फिर कम्युनिटी इवेल्यूएशन कैसे होते हैं, फिर गुड हेल्थ के लिए हेल्दी पर्सन के लिए। इसमें हमारा फोकस रहता है। सेकंड यूनिट जो हमारी है वो हम पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
प्रेगनेंसी पीरियड में आने वाली प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल नीड इन प्रेगनेंसी, फैमिली प्लानिंग पे आपका फोकस रहता है। थर्ड यूनिट हमारी जो होती है सेल, ब्लड, डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का होता है। फोर्थ यूनिट जो हमारी है जो भी कम्युनिकेट डिजीज़ है उस पर हमारा फोकस रहता है। एंड फिफ्थ यूनिट सारे का सारा न्यूट्रिशन पे आपका फोकस रहता है। इसी तरह से एक्सटेंशन एजुकेशन में जो है एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका, एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स और कम्युनिकेशन मेथड्स पे आपका और फैमिली प्रोग्राम प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन नीड ये सारा का सारा फोकस हमारा इस पे रहता है। और इसी तरह से सेम हमारा थ्योरी का पार्ट रहता है। तो कल वाली क्लास में मैं आपको फर्स्ट हमारी यूनिट है हेल्थ, इस पे मैं आपके साथ में हमारे सिलेबस को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे उसी दरमियान हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें कैरियर की कितनी संभावनाएं इन विषयों को पढ़ने के बाद में मिलेंगी। थैंक यू। आप अपना इंटरेस्ट बनाए रखें। आपके रेफरेंसेस बुक्स कौन कौन सी हैं, आपको किस तरह से नोट्स बनाने हैं, ये सब हम अगली क्लास में शेयर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।